हेलो किड्स, आज हम सीखेंगे सब्जियों के नाम संस्कृत में। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, यानी लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको सब्जियों के नाम संस्कृत में अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे सब्जियों के नाम हिंदी और संस्कृत दोनों में। तो इस वीडियो को जरूर देखें अच्छे से। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट सब्जियों के नाम संस्कृत और हिंदी में। टमाटर, और संस्कृत में कहते हैं रक्तांगका। आलू, और संस्कृत में कहते हैं आलूक। प्याज, और संस्कृत में कहते हैं पलांडू। फूल गोभी, और संस्कृत में कहते हैं गोजीवा। लौकी या घिया, और संस्कृत में कहते हैं अलाबू। बैंगन, और संस्कृत में कहते हैं वृतांका। परवल, और संस्कृत में कहते हैं पटोला। सिंघाड़ा, और संस्कृत में कहते हैं श्रृंगाटका। कोहड़ा, और संस्कृत में कहते हैं कोशफलम। ओला, और संस्कृत में कहते हैं सूर्ण। तरोई या तोरी, और संस्कृत में कहते हैं कोशांतकी। गाजर, और संस्कृत में कहते हैं गुजनम। करेला, और संस्कृत में कहते हैं कारवेला। पालक, और संस्कृत में कहा जाता है पालका। मटर, और संस्कृत में कहते हैं कलाया। सेम, और संस्कृत में कहते हैं शिम्बी। शलगम, और संस्कृत में कहते हैं गुजनम। अदरक, और संस्कृत में कहते हैं आद्रकम। पत्ता गोभी, और संस्कृत में कहते हैं कापीशाक। भिंडी, और संस्कृत में कहते हैं भिंडिका। खीरा, और संस्कृत में कहते हैं चरभटी। बड़ी मिर्च, और संस्कृत में कहते हैं कटुवीरा। चुकंदर, और संस्कृत में कहते हैं पालकंग। कोरिएंडर, कोरिएंडर को हिंदी में कहते हैं धनिया।
और संस्कृत में कहते हैं गांठ गोभी धान्याकम, और संस्कृत में कहते हैं कंद शाकम। हल्दी, और संस्कृत में कहते हैं हरिद्रा। कद्दू, और संस्कृत में कहते हैं कुष्मांड। हाथी चक, और संस्कृत में कहते हैं भक्षिमूल या सूर्य। शतावरी, और संस्कृत में कहते हैं सूक्ष्म पत्रिका। अजवायन, और संस्कृत में कहते हैं गंध पत्रिका या अजमोदिका। दालचीनी, और संस्कृत में कहते हैं दारुचीनी। ककड़ी, और संस्कृत में कहते हैं करकटी। सोआ, और संस्कृत में कहते हैं वज्र पुष्पा। लहसुन, और संस्कृत में कहते हैं लशुनम। हरी फली, और संस्कृत में कहते हैं हरित शिबिका। हरी मिर्च, और संस्कृत में कहते हैं हरित मृचिका। हरा प्याज, और संस्कृत में कहते हैं हरित पलांडू। मसूर, और संस्कृत में कहते हैं मसूरा। मशरूम, और संस्कृत में कहते हैं छत्र या पालघन। अजवायन की पत्ती, और संस्कृत में कहते हैं अजमोद पत्र। शकरकंद, और संस्कृत में कहते हैं शकरकंदा। तुरई, और संस्कृत में कहते हैं कोशातकी। करोंदा, और संस्कृत में कहते हैं आमलकी। कटहल, और संस्कृत में कहते हैं पनसम। कुंदरू या कुंदरी, और संस्कृत में कहते हैं कुंदरू। नुआ, और संस्कृत में कहते हैं जालिनी। पुदीना, और संस्कृत में कहते हैं अजगंध। साग, और संस्कृत में कहते हैं शाकम। सरसों, और संस्कृत में कहते हैं सशर्पा। शिमला मिर्च, और संस्कृत में कहते हैं महामरीचिका। टिंडा, और संस्कृत में कहते हैं टिंडिशा। केसर, और संस्कृत में कहते हैं अग्निशाखा।